Hey guys, what's up? This is Satyajit and welcome back to Satyajit Vlog. So friends, ये मेरा संबलपुर टूरिस्ट का second part है and meet my younger brother. Hi friends. Hello. So friends, अभी हम लोग start करते हैं. Let's start our vlog. फ्रेंड्स अभी हम पेट्रोल पंप में और पेट्रोल भर देते हैं गाड़ी में और तब निकलते हैं. सो फ्रेंड्स ये डाइक जाने का रास्ता और आप देख सकते हैं यहाँ पर सनराइज हो चुका है और अभी सुबह का 6 बजा है. आप गूगल टाइम में भी देख सकते हैं और अभी हम जा रहे हैं. सो लेट्स गो. मस्त ब्यूटीफुल प्लेस है और आप इधर फोटोग्राफी या कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर आप संबलपुर आ रहे हैं तो मस्ट विजिट कीजिए. मस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है. सो फ्रेंड्स आप उधर देखिए वहाँ पर सन कितना मस्त है और सन यहाँ पर पानी और वहाँ पर खेत है और फ्रेंड्स वहाँ पर नाव चल रहा है आप देख सकते हैं. बहुत इधर मतलब हवा भी बहुत ठंडा लग रहा है इधर. सो फ्रेंड्स आप मस्ट विजिट कीजिए. ओके निकलने वाले हैं और बहुत मस्ती कर चुके हैं. अभी बहुत धूप भी तेज़ हो चुका है और अभी आपको मैं नेक्स्ट अभी कुछ आपको दिखाने वाला हूँ वो आपके लिए अभी सरप्राइज है. ओके अभी मैं बूढ़ाराजा में हूँ और आप देख सकते हैं ये बूढ़ाराजा का गेट है और अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पर नामजज्ञ होता है और बहुत धूप है इधर. आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं. तो फ्रेंड्स ये बूढ़ाराजा मंदिर जाने का रास्ता है और मैं अभी यहाँ पर गिनूँगा कितना तो सीढ़ी है और अभी हम जाते हैं. ओके
फ्रेंड्स मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं, और सीढ़ियां 208 है। मैं पहले ऊपर से नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आया हूं। तो आपको मैं अभी संबलपुर दिखा रहा हूं, ऊपर से दिख रहा है, आप देख सकते हैं बहुत नीचे है। और ये जो हम सीढ़ी से आए थे ये सब है, और बहुत अच्छा लग रहा ऊपर आके। पर मंदिर तो खुला है, देखते हैं दर्शन हो पाएगा तो अच्छी बात है। फ्रेंड्स ये है पुजारी अंकल, और अभी आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं, यहाँ का सब कुछ, पुराना इतिहास सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। मेरा नाम राजा सिंह है, मैं ब्रजा मंदिर का पंडित हूँ। हम लोगों का परिवार आज 400 साल से पूजा करते आ रहा है भोले बाबा का। यहाँ माता पार्वती भी विराजमान है, एक साथ दोनों का पूजा किया जाता है। ये 1669 का मंदिर है, ये राजा अजीत सिंह ने बनवाया था मंदिर। यहाँ तब से हमारे पूर्वज ही पूजा करते आ रहे हैं यहाँ। और यहाँ पहले तो कुछ सुविधा नहीं था, एक 2003 में हमारी सुश्री प्रमिला बैदार जब MP बने थे तब उनका फंड से 30 लाख रुपया मंदिर में डोनेट किए थे। तब मंदिर का सब तरफ का जितना बनाया गया है, ग्रिल बनाया गया, मंदिर का आने के लिए रास्ता बनाया गया, सब काम उनके द्वारा हुआ था। 2004 में कंप्लीट हुआ था ये सब काम। और यहाँ पुरातन बोलने से एक गुफा है यहाँ पे, जो बोला जाता है कि इतिहास में बोला गया है कि यहाँ वीर सुरेंद्र शाह आते थे, गुफा में रहते थे। उसके अलावा और एक भी है इतिहास में कि यहाँ से एक रास्ता है समलाई मंदिर के लिए। यहाँ के जो राजा थे वो डेली समलाई माँ को दर्शन करते थे और बूढ़ा राजा बाबा को दर्शन करते थे। तो हम देख सकते हैं मतलब क्या क्या है। हाँ, यहाँ पहले भगवान से दर्शन शुरू। ओके ओके ना। सो फ्रेंड्स अभी मैं भगवान का दर्शन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स पूजा हो चुका है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ चलो। इस बार यहाँ पर पूजा हुआ था। हाँ, इस बार शीतल षष्ठी ये हुआ था यहाँ पे, तो कोरोना के चलते इस बार तो प्रोसेशन कुछ नहीं निकला। अच्छा। भगवान का शादी भी मंदिर में ही किया गया था इस बार। अच्छा। शीतल षष्ठी धूमधाम से नहीं हो सका, भगवान का जैसा मर्जी था वैसे ही हुआ। भगवान शादी मंदिर में धूमधाम से किए है ना। अच्छा। बहुत इंजॉय किए हम लोग है ना। ये बुढ़ाजा हिल टॉप रोड है, ये बुढ़ाजा हाई स्कूल से के पास में, ये 2003 में बना है। ये 2003 में बना था, श्री प्रमिला बैदार बनाए थे ये रोड। जब से बना तब से मंदिर का बहुत उन्नति हुआ है, श्रद्धालु बहुत बहुत भीड़ होता है, श्रद्धालु बहुत भक्ति से आते भी हैं मंदिर। अच्छा। सुविधा हो गया करके, क्योंकि बुजुर्ग लोग कोई अंदर मंदिर नहीं आ पा रहे थे। 208 सीढ़ी है हम लोगों का मंदिर के लिए, 208 सीढ़ी है पहले का, राजा के समय का। जब से रोड बना तब से भक्त लोगों का आना बहुत भीड़ हो गया, बहुत सुविधा भी होने लगा मंदिर में रोड के कारण। और ये है हम लोगों का सुरंग, जो राजा वीर सुरेंद्र शाह आते थे यहाँ, ये सुरंग कहा जाता है, जो कि ये सुरंग समलाई मंदिर के पास में खुलता है करके, और राजा वीर सुरेंद्र शाह यहाँ छुपे थे करके भी इतिहास में ऐसे बताया जाता है। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कैसे सीढ़ियाँ भी हैं, बहुत पुराना है। अच्छा, और यहाँ का खासियत, यहाँ खासियत बाबू ये हरियाली है अभी सब तरफ, बहुत अच्छा। अभी सावन का महीना है, बहुत बहुत भीड़ होता है। अच्छा। सावन के समय तो बोल रहा हूँ, कांवरिया लोग भी आते हैं। अच्छा। और बहुत सावन के महीने में बहुत जोरदार। अच्छा। पूजा पाठ होता है यहाँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद भाई। सो फ्रेंड्स अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर तीरनाथ बाबा है और उनका मंदिर मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये मंदिर, और अगर आप नहीं आए हैं ये मंदिर तो आप प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए और बहुत अच्छा लगेगा। सो आज का एंडिंग करेंगे मेरा फ्रेंड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत मज़ा आया, मंदिर आए हैं, अच्छा तो लगेगा ही आपको, सबको अच्छा लगेगा, बहुत मेहनत किए गाइस, सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए,
मेरा दोस्त मेहनत कर रहा है, तो थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब फॉर यू। एंड थर्ड पार्ट जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए वेट करिए, थर्ड पार्ट भयंकर आएगा, वेट करिए। जो सो वही तो फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट नहीं बना है अभी, लेकिन आप सभी जैसे जानते हैं बहुत धूप हो रहा है, आप देख सकते हैं, ब्लॉगिंग कुछ अच्छा नहीं होगा, दैट्स व्हाई हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो थर्ड पार्ट के लिए आप वेट कीजिए। ओके, ये हमारा दोस्त है, ब्लॉगिंग का पूरा दीवाना है, नहीं देखा जो ब्लॉगिंग, हाँ ब्लॉगिंग का दीवाना है गाइस, ब्लॉगिंग एक नंबर करते हैं।